नमस्कार दोस्तों, मंटू गैंग की इस नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 एंड सैमसंग गैलेक्सी A12 के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। यदि आप इन दोनों फोन में से किसी फोन को लेना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो कि कौन सा फोन गेमिंग के लिए बेहतर है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन से बात करें गैलेक्सी A13 की, तो इसमें आपको एक्जीनोस 850 ऑक्टा कोर CPU मिलता है, माली G52 इसमें आपको GPU मिलता है। एंड्रॉयड 12 के साथ इसमें आपको One UI 4.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। 4GB के साथ इसमें आपको 64GB का स्टोरेज मिलता है और 5000mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। प्राइस की बात करते तो यह 15000 के प्राइस रेंज में आपको मार्केट में मिल जाता है। अब बात करें गैलेक्सी A12 की, तो इसमें आपको MediaTek Helio P35 ऑक्टा कोर CPU मिलता है। पावर VR G83 इसमें आपको GPU मिल जाता है। यह वर्जन हमारे पास 4GB 64GB वाला है, इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। प्राइस की बात करते तो यह आपको 12,999 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। तो दोस्तों यही थे दोनों फोन के स्पेसिफिकेशन जो कि हमने आपको यहां पर बता दिए। अब करते हैं दोनों फोन का रिबूट टेस्ट, देखते हैं कौन सा फोन पहले रीस्टार्ट होता है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि रीबूट टेस्ट में सैमसंग गैलेक्सी A13 थोड़ा सा फास्ट देखने को मिला है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी A12। अब चलते हैं दोनों फोन के मेन टेस्ट स्पीड टेस्ट की ओर, देखते हैं कौन सा फोन हमें फास्ट देखने को मिलता है। दोस्तों स्पीड टेस्ट कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों फोन का जो ऐप लॉन्चिंग राउंड है वह आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। गेमिंग की बात करें तो आप दोनों फोन में PUBG फ्री फायर जैसे हैवी गेम आसानी से प्ले नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ नॉर्मल सेटिंग्स के गेम आप इन दोनों फोन में इजिली प्ले कर सकते हो। अब चलते हैं दोनों फोन के रैम मैनेजमेंट की ओर, देखते हैं किस फोन का रैम मैनेजमेंट एक दूसरे से बेहतर देखने को मिलता है। We'll be right back.
दोस्तों रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको दोनों फ़ोन सेम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर सारे ऐप्स बने हुए हैं एंड सारे ऐप्स रनिंग हो रहे हैं। तो ओवरऑल कहें तो यहाँ पर आपको दोनों फ़ोन गेमिंग एंड रैम मैनेजमेंट के मामले में सेम ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।